नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रंगीन राह में सबका स्वागत है। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे दो तीन लोगों ने पूछा है कि सर, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रोल्स जो मिलते हैं, जैसे मुझे पहली बार कॉमेडी का मिला, वो हमें सिखाया था तो उतना ही मुझे ये लगा, दूसरी बार ट्रेजेडी वाला मिला, तीसरी बार वो माइथोलॉजिकल मिला, तो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं। मतलब करने की कोई बात नहीं, जो भी है वो माइथोलॉजिकल का ये है कि वहां पे जरा गहने वहने दागिने वागिने पहना के आपको ड्रेसेस ड्रेसअप पीरियड ड्रामा होता है वो होता है, तो उसमें भी आपको तो एक्टिंग ही करनी है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, जरा संस्कृत मतलब प्योर हिंदी होती है ये होती है। तो दोस्तों उसमें कोई बात नहीं, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। तो मुझे तीन लोगों ने पूछा हुआ है कि सर, हमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रोल्स मिले हैं, तो क्या मैं वो सही कर पाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो ऐसा ही है, इसके बारे में आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए और किससे आप सब टाइप के, हर टाइप के भी कैरेक्टर, कोई भी टाइप के कैरेक्टर हो आप कर पाओगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये हमेशा पूछा गया है कि कलाकार को अलग अलग रोल्स जो मिलते हैं, हम अभी तो हमारी कुछ ये तो बनी नहीं, छवि बनी नहीं कि हम इसी टाइप के रोल करते हैं ये वो, ऐसा तो है नहीं, पर ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हर टाइप के कलाकार यानी क्या है, उसे हर टाइप के रोल करने चाहिए, कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, माइथोलॉजिकल हो या और भी कुछ हो, फाइट सिक्वेंस के हो, जो भी हो करने चाहिए, तो ही आपकी डिमांड बनेगी, तो ही आपकी ये क्या है, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। अगर आप डिमांड आपकी बढ़ेगी तो आप सप्लाई भी करोगे, सप्लाई कैसे करोगे, आपकी कला को सप्लाई करोगे। तो दोस्तों जैसे समझ लीजिए किसी को कॉमेडी का सीरियल मिला, कॉमेडी का कैरेक्टर मिला, तो उसमें उस बारे में भी मेरे वीडियोस है, वो भी देखिएगा कि डिफरेंट टाइप्स के मूड्स कैसे बनाने चाहिए। नवरस जो है वो नवरस वाले वीडियो में ऊपर लिंक में दे दूंगा, वो देखिएगा। तो उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के जो मूड्स होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। अभी कॉमेडी है तो उसमें थोड़ा हाई पिच थोड़ा हाई हो जाता है, ओवर एक्टिंग भी थोड़ी करनी पड़ती है। तो दोस्तों और अभी पूरा सीरियल ही या तो आपका कैरेक्टर है या तो पूरी सीरियल ही है। तो मेरे एक दोस्त को मिला था पूरे सीरियल में, जैसे कॉमेडी सीरियल है तो उसी में सभी लोग कैरेक्टर अपने अपनी तरफ से कॉमेडी करते थे, तो अपने आप ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान, भले आपको चेहरे से ऐसे दिखे कि वो बहुत सीरियस है, कुछ कॉमेडी करता नहीं होगा, अच्छी सी बात करता है, प्यार से बात करता है आपसे, तो दोस्तों हर एक की जिंदगी में कॉमेडी तो होती है, लेकिन कॉमेडी में एक बात है, कॉमेडी में टाइमिंग का बहुत महत्व है, टाइमिंग और जो भी एक्शन है उससे, क्योंकि बहुत बार डायलॉग्स जो होते हैं वो टाइमिंग्स के साथ भी करने पड़ते हैं और उसके बाद एक्सप्रेशन या तो एक्टिंग, कभी कभी डायलॉग्स कम होते तो आपको एक्टिंग या तो एक्सप्रेशन से ये दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों ये आप ख्याल कीजिएगा, क्योंकि डायलॉग जब पढ़ो तब आपको मालूम होना चाहिए कि इतना छोटा डायलॉग है या कम डायलॉग है तो मुझे एक्सप्रेशन करना पड़ेगा और सामने वाले को कैसे मालूम पड़े कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। तो कॉमेडी ट्रेजेडी सभी के दिलों में होती है, सभी के जीवन में आती है, तो वो उसे आप उभारिए। समझिए कि आज आपको कॉमेडी का है तो आप खुश रहिए, कॉमेडी ये देखिए, कॉमेडी फिल्में देखिए या तो कॉमेडी मूड बनाइए। वैसे आपकी पूरी, जैसे ही वो मेरे जो कलाकार भाई को मिला है उसमें तो क्या है, उसको हर कैरेक्टर ही कॉमेडी है, तो उसको कॉमेडी वो कर सकता है, तो क्योंकि आपको एक बैकिंग भी मिल जाती है, कि आपको मालूम पड़ेगा कि मैं किस हद तक कॉमेडी करूं या तो किस हद तक मैं एक्सप्रेशन दूं या किस हद तक मैं एक्शन लूं जिससे कॉमेडी में बना रहे। यानी क्या है, पांच कैरेक्टर है तो पांचों कैरेक्टर में अपने हिसाब से किसी का ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी का कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है तो वो अगर ज्यादा कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने भी कॉमेडी के टाइमिंग इज बेस्ट टाइमिंग होना चाहिए। तो सबसे, सब लोग कहते हैं ना कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, तो सही बात है, कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें टाइमिंग का महत्व है, डायलॉग का महत्व है, आपको बोलने का महत्व है, आपके एक्सप्रेशन का महत्व है, तो वो देखिएगा कि ज्यादातर लॉन्ग शॉट नहीं होंगे, ये कमर तक के या तो बैक नजदीक के ही शॉट होंगे। उससे क्या है कि जो कॉमेडियन है या तो जो भी कैरेक्टर है वो जो कॉमेडी कर रहा है तो सामने वाले को दिखना चाहिए, क्लोजअप्स ज्यादा होते। तो दोस्तों कॉमेडी तो आप भी कर सकते हो, आपको कॉमेडी करनी चाहिए। दूसरी रही बात ट्रेजेडी की,
ट्रेजेडी की क्या है कि आर्टिस्ट को अपने आप हर रोल में ढल जाना चाहिए, हर मूड बना लेना चाहिए। मैंने जो नवरस का जो वीडियो दिया है वो भी देखिएगा, हर मूड बना लेना चाहिए कि जैसे अभी कॉमेडी की और तुरंत आप सीरियस हो गए, तो स्विच ऑफ स्विच ऑन ये करने की आदत होनी चाहिए। वो अगर आप सीख जाओगे तो तुरंत आप ये सीरियस रोल वाले में भी आ जाओगे। तो सीरियस में क्या है कि सामने वाले की आंखों पे देखिए, सोचिए उस टाइप का कुछ सीरियस जो जैसी ये घटना उसमें बताइए ऐसे कुछ, तो आपको एक्सप्रेशन अपने आप ही आ जाएगा। इसमें लाउड एक्सप्रेशन नहीं होता है, कभी कभी अंडर प्ले भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको स्विच ऑफ स्विच ऑन की अगर मालूमात हो तो आप ये कर सकते हो, कॉमेडी ट्रेजेडी और जो भी है। और उसके बाद ये आएगा तीसरा, ये भगवानों की जो भी सीरियल होती है माइथोलॉजिकल सीरियल, उसमें क्या होता है, उसमें ड्रेसेस ज्यादा होता है, भारी भारी गहने पहनाए जाते हैं, ये पहनाए जाते हैं, क्योंकि वो पीरियड ड्रामा है। तो उस टाइम पे अगर आप होते तो कैसा लगता है ये, यानी उसमें जो कैरेक्टर है, समझे किसी राजा का कैरेक्टर है, तो राजा के उस टाइम पे लाउड एक्सप्रेशन हुआ करते थे, एक्सप्रेशन भी लाउड हुआ करते थे। और माइथोलॉजिकल में यही चलता है, माइथोलॉजिकल में थोड़े लाउड भी होने चाहिए और उसमें डायलॉग्स भी उस टाइप के लैंग्वेज के, जैसे संस्कृत से मिलते जुलते हिंदी वर्ड्स होते थे, तो हिंदी वर्ड्स भी है लेकिन वो प्योर हिंदी बोले जाते, तो उसकी भी अगर आपको जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी आओ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आओ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आने से क्या होता है कि आपको लैंग्वेज की नॉलेज होगी, सब नॉलेज आपको होगी, तो उससे आपको बोलने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी समझे संस्कृत के वर्ड है, अभी तो संस्कृत सिखाते नहीं लेकिन हम लोग के टाइम पे जो संस्कृत सीखते थे उससे देव की भाषा जो कहते हैं ना, तो उस टाइप से वो लैंग्वेज हिंदी प्योर हिंदी रहती थी, बड़े बड़े और ये वो आई एम गच्छंती वच्छंती जो भी बोलते थे, लेकिन उसमें क्या है कि वो वर्ड्स जो भी होते थे वो प्योर हिंदी के होते थे। तो ये भी जैसे देवों की फिल्म बना रहे, भगवान की फिल्म बना रहे, माइथोलॉजिकल बना रहे, या तो ड्रेस ड्रामा बना रहे। ड्रेस ड्रामा का होता है कि पीरियड ड्रामा जो होता है, तो पीरियड ड्रामा में ये होता है कि उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज या क्या क्या चलता था वो दिखाया जाता है। तो दोस्तों सब रस आप जानिए, नवरस को वापस जानिए, नवरस आप करके देखिए। और आप अगर स्विच टू और स्विच ऑफ ये सिस्टम आप समझ जाओगे तो तुरंत वही उसमें आप आ जाओ। तो कैमरा से दोस्ती कर लीजिए, आप दोस्ती करोगे तो आप एक्सप्रेशन दिखा पाओगे और आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ मैं लाउड एक्सप्रेशन दू, कहाँ पे क्लोजअप है तो मैंने क्या करना चाहिए, लाइटिंग कहाँ पे है, ये सब जानने के लिए क्या है ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन करते करते भी आपको आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप यही सब, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर आपको मिल सकता है, तो अगर आप थोड़ी सी भी ट्रेनिंग लेके आए हो तो इसमें आप जरूर सीख जाओगे, जरूर आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों मैंने जो मुझे जो कुछ प्रश्न पूछा है उन दोस्तों को मैं यही कहूंगा, तो आप तो बहुत लकी हो कि आपको हर टाइप के कैरेक्टर मिल रहे हैं, कॉमेडी मिल रहा है, ट्रेजेडी मिल रहा है, माइथोलॉजिकल मिल रहा है। तो एक सूत्र में मत बंधिए, हर टाइप के कैरेक्टर कीजिए। अभी आप हर टाइप के कैरेक्टर कीजिए तो वर्सेटाइल एक्टर हो जाओगे, तो फिर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आपको तीन जगह से आपको बुला सकते हैं। कॉमेडी होगी तो कॉमेडी में भी बुला सकते हैं, बोलेंगे हाँ उसने उसने किया था कैरेक्टर, वो कॉमेडी को बुलाया, कॉमेडी भी किया था तो ये भी उसके लिए भी बुलाएंगे। ट्रेजेडी का आपको किया है, कोई ट्रेजेडी रोल किया हो या तो फिर सीरियस एक्टिंग की हो तो उसमें भी आप माने जाओगे। माइथोलॉजिकल में तो सब ये कपड़े वपड़े ये पहना के आपको उस टाइम उस पीरियड में चले जाते, अगर उसमें भी आपने अच्छे डायलॉग्स बोले हो या तो उसमें जो लाउड थोड़ा सा है एक्सप्रेशन लाउड होते थे जो भी, वो अगर आपने किया हो तो उससे तो अच्छा है कि आपको वहां से भी मिलेगा। तो दोस्तों आपके हमेशा के लिए आगे के द्वार खुल जाएंगे, तो आपको बहुत सी जगह से काम मिलने लगेगा। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा आप बहुत लकी हो, पहले ही आप अपने शुरुआत में ही आपको इतना अच्छा सा काम मिल रहा है, तो ये करिए, दिल से करिए, सब कुछ करिए। हर टाइप का रोल कीजिए, कॉमेडी कीजिए, ट्रेजेडी कीजिए, माइथोलॉजिकल कीजिए, उससे आप ही का फायदा है और आप भी आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से यही तमन्ना है, आप आगे बढ़ो और कल उठ के मुझे कहो कि सर मैंने कॉमेडी भी अच्छी कर ली, ट्रेजेडी भी अच्छी कर ली, माइथोलॉजिकल भी अच्छा कर लिया। ये तो सीखने वाली बात है, आप करते जाओगे वैसे ही सीखते जाओगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लिख के भेजिएगा भारत माता की। बस आज का वीडियो यही बंद करता हूँ, भारत माता की जय।
वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।